अच्छा, कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, उसमें आयुर्वेद क्या कार्य कर सकता है, किस प्रकार से किसी पेशेंट को हेल्प प्रदान कर सकता है? देखो, जिस दिन प्रतिदिन सरकार ने भी कुछ ढील दी है, लोगों के का आवाजाही बढ़ी है, और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि जो कोरोना जो पेशेंट हैं, इनकी संख्या है वो बढ़ने वाली है, तो उससे बेहतर ये है कि हम ऐसी दिनचर्या अपनाएं, ऐसा हम अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करें, ताकि ये जो है बीमारी को हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सके, मानवता को बचा सके। उसके लिए सबसे पहले जो पहले दिन से प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें हम, तो आज के टाइम पे ये नहीं है कि भी लॉकडाउन खुल गया है तो हम जो है इस बीमारी से बच गए हैं। हमारे को अब सबसे ज्यादा जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ को सैनिटाइजेशन वगैरह करें प्रॉपरली, उसको हाथों को बार बार में धोते रहें, और साथ में जो सबसे पहली जो आयुर्वेद मुख्य जो वो रहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इस समय हमारे को सबसे जरूरत है जो व्यक्ति स्वस्थ है उनको ये बीमारी ना पनपे, इसलिए उनको स्वस्थ रहने के लिए उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी जरूरी है। जैसे सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने भी गाढ़े का उल्लेख किया है, और आप दिनचर्या के रूप में भी इस गाढ़े को बनाकर हम अपने खुद को, बच्चों को, परिवार में इनको पिलाएं। और दूसरी एक जो चीज मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो देना चाहता हूँ कि हम चाहे कोई वर्क कर रहे हैं या वर्क एट होम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या को ना खराब करने दे। दिनचर्या से तात्पर्य यह है कि सुबह समय पे उठे, दिन में जो भी अपना वर्क है वो करें, रात्रि के टाइम पे ये समय के अनुसार लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बेसिक जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। आयुर्वेद में इसलिए जो है दसन संस्कार जो है स्वर्ण पाशन संस्कार है वो भी बताया गया है, जिसमें 10-11 जड़ी बूटियां हैं वो बच्चों को खिलाते हैं, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो वो बच्चों को दे सकते हैं। बड़े आदमी जो है हल्दी का दूध पी सकते हैं, गिलोय का प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, दालचीनी, इलायची, पीपली, सौंठ, इनका जो है प्रयोग जो है नित्य रूप से हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इस समय पे हमारे को गर्म पानी पीना है, घूट घूट करके पीना है, बार बार पीना है, ताकि हमारा गला है वो शुष्क ना हो और कफ की वृद्धि ना हो। तो इसलिए गर्म पानी पीने पर मैं विशेष जोर दूंगा कि आने वाले समय में जो है हम ये ना कि भी अब गर्मी होगी तो फ्रिज का पानी वगैरह या बर्फ का पानी पीना स्टार्ट करते, तो हमारे को जो है गर्म पानी पीना है और बार बार में वो पीना है। बाकी दूसरा, बाहर की जो चीज़ें कोई भी फल सब्जियां इस तरह की कोई भी चीज़ें लाते हैं, उनको अच्छी तरह से धो के और कुछ समय के बाद में ही उनको इस्तेमाल करें तो जो है बेहतर रहेगा।